अस्सलामुअलैकुम सामीन, 3 रमज़ानुल मुबारक है, 26 मार्च है। खबर का उनवान है, जिस लड़की को मारने के इल्ज़ाम में 2 लोग जेल में बंद हैं, वो लड़की आज जिंदा मिल गई है। खबर तफसील से सुनिए। उत्तर प्रदेश के ज़िला भदोही में कत्ल का ऐसा मामला सामने आया है जिससे पुलिस भी हैरान रह गई है, क्योंकि 10 महीने पहले जिस नाबालिग लड़की को मुर्दा करार दिया गया था और जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में 2 लोगों को जेल भेजा गया था, वही लड़की अब जिंदा बरामद हो गई है। अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि फिर कुएं में मिलने वाली लाश किसकी थी। वजह है कि उसी वक्त उस लड़की के माँ बाप ने पुलिस को दरख्वास्त दी थी कि उनकी बेटी गुम है, उसी दौरान कुएं से एक लाश भी मिली थी। इसी लड़की के माँ बाप ने पहचान करके बताया था कि ये लाश उन्हीं की बेटी की है। पुलिस ने अब लड़की के माँ बाप को हिरासत में ले लिया है कि झूठ क्यों बोला था। उस वक्त उसी जिंदा मिली लड़की के कुएं से कपड़े भी मिले थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि फर्जी तरीके से कपड़े किसने वहाँ तक पहुँचाए थे। ये लड़की अब नोएडा इलाके से बरामद हुई है। लड़की का ये बयान हैरान कर देने वाला है कि वो शुरू से ही माँ बाप के रबते में थी, बातचीत होती रहती थी। उसके माँ बाप ने शादी किसी दूसरी जगह कर दी थी, अदाकार ने चली गई थी। भाई शम्स नवाज इस बारे में एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने सहाफियों को बताया। मुंबई हाई कोर्ट में 2022 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी शिक्षापुर गोपीगंज के रहने वाले भाई और किशोर आलिया ने शिकायत दी थी कि उसकी नवाले बेटी रफे हजत के लिए शौच के लिए बाहर गई, इसके साथ ही लेकिन वापस नहीं आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी थी। भी किसी भी 27 मई 2022 को शहर सेवान सरनपुर में हिदायत से एक लाश की मांग की है। श्यादा किशोर की जाने और उसकी बीवी ने दायर इस लाश को कहा गया अपनी बेटी के तौर पर पहचाना था। मैं जब उनके भाई की वजह से विष्णु और प्रदीप कुमार के खिलाफ उन्हें अगला मैनेजर रखा का मुकदमा दर्ज कराया गया था। दीन ने इन पुलिस ने इन दोनों को पकड़ कर जेल भेज दिया था। जीएसटी फाइलिंग जैसे तमाम शुबे की बुनियाद पर कमी से मिली लाश की पहचान में वो खुद फिल्मों पर ध्यान देने लगे। नमूने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजे गए हैं। दौरान उनके भाई की बुनियाद पर बेईमानी संदिग्ध से जांच करने की जगह पर पैसे का गलत इस्तेमाल किया। के बुनियाद पर पुलिस ने नाम होने की वजह से इन तमाम लड़कियों को नोएडा से जिंदा बरामद कर लिया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के मुताबिक के वालिदैन ने सबूत छुपाते हुए झूठी इत्तला लिखकर मुतादद जायदाद खिलाफ झूठ सबूत दिए के इसकी वजह से मुल्जिम विष्णु नाम पर और प्रदीप कुमार को जेल में एक फ्लैट एक कमर्शियल पर अभी जारी है। बुढ़ाना में एक जगह, शाहपुर में एक फार्म मामला है, दुबई में एक प्रॉपर्टी और बीएमडब्ल्यू समेत देखा गया 14 गाड़ियां कुछ और नहीं देखा गया। अपनी बात किस तरह पहचाने क्या हुआ सब मामला गोल है। जब उन्हें अपने भाई की इस करतूत और जिस लड़की के कत्ल के इल्जाम में 10 महीने पहले 2 लोगों को जेल जाना पड़ा था, यानी उनका भाई मुश्किल हो गया। अब पुलिस कह रही है कि मामले की मजीद जांच जारी है। बीवी को उकसाया।